सुप्रीम कोर्ट में अवैध बजरी खनन के मामले में हुई सुनवाई में राजस्थान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए खनन को रोक पाने में नाकाम रहने की बात कही। सरकार ने माना कि प्रदेश में बड़े स्तर पर बजरी का अवैध रूप से खनन होता है, अब इसे रोकने के लिए अंतिम विकल्प यही है कि बजरी खनन को मंजूरी दे दी जाए। राज्य सरकार ने कहा कि तमाम कोशिशों के बाद भी बजरी के अवैध खनन को रोक नहीं पा रहे। सुप्रीम कोर्ट में बजरी खनन मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट वीवी गिरी ने कोर्ट में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि लोग बजरी नहीं मिलने से परेशान होते हैं, लोगों के मकान नहीं बन पा रहे, कई सरकारी और निजी प्रोजेक्ट प्रभावित हुए। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बजरी के ई ऑक्शन सहित खातेदारी व कृषि जमीन पर खनन पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान दस्तक एनजीओ की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार की मिलीभगत से अवैध खनन चलता है और 20 से 30 मीटर तक जमीनों की खुदाई हो चुकी है। गौरतलब है कि राजस्थान प्रदेश में 7 माह से बजरी के खनन पर रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 16 नवंबर को 82 LOI होल्डर द्वारा किए जा रहे बजरी खनन पर रोक लगा दी थी। तब से ही प्रदेश में बजरी खनन पर रोक जारी है। कोर्ट ने यह रोक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण विकृति के लिए बिना खनन किए जाने पर लगाई थी।